हेलो फ्रेंड्स, जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कीमे की कटलेट, तो चलिए शुरू करते हैं। आसान फूड रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कीमे की कटलेट बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम मटन का कीमा। हमने यहाँ पर रेगुलर फैट यानी कि चर्बी के साथ वाले मटन मिंस का इस्तेमाल किया है। इसी के साथ हमने यहाँ पर लिए हैं 4 पाव। ये जो पाव है इनको हमने 10 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया है। 10 मिनट तक पानी में भिगोने के बाद अब हम इनका सारा पानी इस तरह से निकाल लेंगे। पाव का सारा पानी निकालने के बाद हम इसको ऐड कर देंगे कीमे में। इसी के साथ हम इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जैसे कि 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1.5 टीस्पून गरम मसाला, 1.5 टीस्पून नमक और 2 टीस्पून धनिया पाउडर। देखिए, आप यहाँ पर धनिया पाउडर की जगह पर 2 टीस्पून कुटे हुए धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप जितना बारीक कटा हुआ हरा धनिया और बारीक कटा हुआ पुदीना। और हमने यहाँ पर ली है 6 छोटी बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर छोटी हरी मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 1 नींबू का रस। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम कीमे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट को कीमे के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद इस स्टेज पर आप इसे स्मोकी फ्लेवर भी दे सकते हैं, लेकिन हम इनको स्मोकी फ्लेवर बाद में देंगे। इसलिए हाथों को तेल से अच्छी तरह ग्रीस करने के बाद इसमें से एक पोर्शन लेके इस तरह से हम इसकी कटलेट बना लेंगे। तो हमने इस तरह से कटलेट्स बना ली है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। कटलेट को फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर तेल गरम कर लिया है, लेकिन फ्राई करने से पहले हम इस पर ब्रेड क्रम्स और अंडे अप्लाई करेंगे। इसलिए हमने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स ली है और 2 अंडे लिए हैं। इन अंडों में हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून नमक और अच्छे से इनको फेंट लेंगे। हमारी बनाई हुई कटलेट पर हम अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स अप्लाई कर लेंगे। तो हमने कटलेट के दोनों तरफ ब्रेड क्रम्स को अच्छे से अप्लाई कर लेना है। कटलेट की दोनों तरफ ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह अप्लाई करने के बाद हम इनको अंडों में डीप करेंगे और अंडों में डीप करके हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से सारी कटलेट पर ब्रेड क्रम्स और अंडों को अच्छी तरह अप्लाई करने के बाद हम इनको लो फ्लेम पर डीप फ्राई कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर हमने कच्चा कीमा लिया है, इसलिए हमने इनको हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना। हम इनको लो फ्लेम पर तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। एक तरफ से अच्छी तरह फ्राई होने के बाद हम इनको पलट देंगे और पलट कर लो फ्लेम पर दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमारी कटलेट अच्छे से फ्राई हो चुकी है। इनको हम तेल में से निकाल लेंगे और बाकी की कटलेट को भी लो फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए, हमने यहाँ पर 500 ग्राम कीमा लिया है, तो 500 ग्राम कीमे में से इस साइज़ की 10 कटलेट बन जाएगी। हमारी फ्राई की हुई कटलेट को स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हम इसके सेंटर में रखेंगे गरम कोयला और इस पर अप्लाई कर देंगे 1 टेबलस्पून तेल और इसे 5 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था,
कि आप कटलेट को फ्राई करने के बाद भी स्मोकी फ्लेवर दे सकते हैं या फिर कच्चे कीमे को भी आप स्मोकी फ्लेवर दे सकते हैं। ये देखिए, इसे रखे हुए 5 मिनट हो चुकी है। इसी के साथ हमारी जो मटन कीमा कटलेट है वो सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसके सेंटर में से हम गरम कोयला हटा लेंगे और इसे सर्व कर लेंगे ग्रीन चटनी और सलाद के साथ। तो लीजिए, खाने के लिए तैयार है मटन कीमा कटलेट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।